अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाजार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोज़गार के बारे में। शायद आप लोगों में से कुछ को पता हो इसके बारे में। ये बहुत ही एक बेनिफिशियल प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट की तरफ से मेल्स और फीमेल्स के लिए ये साल में 2 दफ़ा अनाउंस होता है, जिसमें गवर्नमेंट आपको फ्री जो है वो शॉर्ट कोर्सेज जो हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में वो आपको सिखाती है। फ्री ट्रेनिंग होती है और इसमें जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। आप घर बैठे आसानी से अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप जितना काम करेंगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। तो इस वीडियो में मुकम्मल आपको डिटेल्स इसके बारे में बताएंगे, आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपसे शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाजार को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट पे और आपको वहीं पे इसकी डिटेल बताते हैं। आपने आ जाना है गूगल पे, इस वेबसाइट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। ये आपके सामने वेबसाइट ओपन है जॉब बाजार के नाम से और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे जॉब बाजार 22 और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो यहाँ पे आप नीचे आना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ई रोज़गार ट्रेनिंग प्रोग्राम। सबसे पहले इसके क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको जो जिन वेबसाइट की ट्रेनिंग दी जाती है वो बहुत ही इंटरनेशनल किस्म की वेबसाइट हैं और पूरी दुनिया से जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसी पे काम करते हैं, घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। इसमें फ्रीलांसिंग है, अपवर्क है, वर्डप्रेस है, इसके अलावा डिफरेंट इसमें फाइवर है और वेब डिज़ाइनिंग की डिफरेंट इसमें वेबसाइट हैं। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आपके अर्निंग के लिए। तो इसका क्राइटेरिया क्या है आपका, एक तो या तो डोमिसाइल पंजाब का हो, शनाख्ती कार्ड आपका पंजाब का होना चाहिए और इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन 16 साल तालीम होनी चाहिए, मास्टर या बीएस आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज आपकी 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 से 35 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और आपकी जो माशी हैसियत है वो आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, आपकी कोई जॉब वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 3 माह की ये ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, इसमें अप्लाई ऐसे करना है कि आपको यहाँ पे लिंक नज़र आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन लिंक, यहाँ पे आपने डायरेक्टली इसको इस पर सिंपल क्लिक करना है। आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपने अपनी डिटेल देनी है या फिर आपने डायरेक्टली भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं erozgaard.pitb। PITB का मतलब है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड .gov.pk/apply पे ये लिंक आप सर्च करें गूगल पे और डायरेक्टली आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। तो इस तरह आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।